घासीला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर स्कूल परिसर में आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के फायर फाइटिंग के ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा शिक्षकों, स्कूली बच्चों, अभिभावकों समेत स्कूल के अन्य सदस्यों को आग से सुरक्षा पाने के उपाय बताए गए। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के बी ओझा एवं स्कूल के प्रधानाचार्य श्री संजय मल्लिक ने बताया कि आग लगने या किसी भी आपदा के समय संयम बरतनी चाहिए। इस दौरान विशेषकर स्कूली बच्चों ने बड़ी गौर पूर्वक इस नाट्य रूपांतरण को देखा और कई गुर सीखे। इस दौरान प्रसन्नजीत कर्मकार नवल सिंह, प्रकाश शर्मा, कन्हैया शर्मा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। Can you hear me? All of you this side? Come on, be there. Nothing will happen. The best part of it, pay attention here. Teachers, एक मॉक ड्रिल था जिसपे हमें कॉल मिली एट 1:42 11:42 पे कॉल आया कि फायर है और स्प्रेड हो रहा है। हमारे अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और पहले मिनट पे ही ग्राउंड फ्लोर के पहला क्लास बाहर आ चुका था। 11:43 पे ग्राउंड फ्लोर के बच्चे बाहर आ चुके थे। 11:48 पे स्कूल के सारे बच्चे ग्राउंड पे थे, सारे स्टाफ ग्राउंड पे थे। हेड काउंट हुई और देखा गया कि सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। सर्कस मैदान में मीना बाजार के हटते ही वहाँ गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। सहज ही हम सभी वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह कचरे एवं प्लास्टिक को फेंका गया है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय ने प्लास्टिक को उपयोग करने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी समझ से परे है।